वेलकम बैक। और आज के इस सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सर्च सजेशंस में जो हमारे पास लिस्ट आइटम्स थी उनमें से अगर किसी पे क्लिक किया जाता है तो क्लिक करने पे जो क्वेश्चन है उसको शो कैसे करवाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया तो अभी यहाँ पे देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास जो सर्च डॉट पी एच पी वाला पेज है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो काम स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्पज के लिए मैं टेक्स्ट एडिटर पर जाता हूँ और यहाँ पर आके एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और ऑब्वियसली इसको जो मैं नाम दूंगा वो सर्च डॉट पी एच पी होगा, सर्च डॉट पी एच पी। ये फाइल क्रिएट कर ली और इस पर कुछ एच टी एम एल का कोड भी आएगा। तो मैं टाइम बचाने के लिए जो इंडेक्स वाली फाइल पे कोड था उसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसमें से मैं कुछ कंटेंट निकाल भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मेरे पास टाइटल आ जाएगा इस जगह पे। ओके अब नीचे आते हैं। यहाँ पे आके एक मैं इफ की कंडीशन प्लेस करता हूँ। तो इफ बेसिकली पी एच, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेस देन का साइन पी एच पी। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ इफ, ये मैं ऑल्टरनेट सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ, एल्स एंड इफ। तो एच टी एम एल में जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो अक्सर मैं ये ऑल्टरनेट सिंटेक्स ही यूज करता हूँ इस तरह से। तो अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आईडी आ रही है, यानी कि आईडी वाला एट्रीब्यूट, आईडी वाला वेरिएबल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ इफ इस सेट, और इसके अंदर आके लिखता हूँ, देखिए अभी यहाँ पे जो पीएचपी का कोड है आपको वाइट पे नजर आ रहा है, तो मैं जरा इस टैब को क्लोज करता हूँ। अब इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ, देखिए अब ये ठीक नजर आ रहा है, अब कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ डॉलर अंडरस्कोर गेट, गेट एरे के अंदर अगर आईडी के नाम से कॉलम आ रहा है तो क्या काम करना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ आ रहा है। इसके साथ मैं एक और कंडीशन प्लेस करता हूँ, एक और मैं चेक लगाना चाहता हूँ इस पर एक ही लाइन में, एंड नॉट एम्प्टी, यानी कि एम्प्टीनेस का चेक भी मैं प्लेस कर रहा हूँ। यानी कि जो डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी है इसमें जो आईडी वाला इंडेक्स है वो खाली नहीं है, वो एम्प्टी नहीं है। अगर तो एम्प्टी नहीं है इसका मतलब ये है कि डेटा हमारे पास आ रहा है। तो अगर तो वो एम्प्टी है तो फिर यहाँ पे आके मैं एक और काम करता हूँ। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ पी एच पी और हेडर लोकेशन इंडेक्स डॉट पी एच पी। तो यूज़र को मैं वापस रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ, यानी कि अगर यहाँ पे आईडी नहीं आता तो जो यूज़र है वो इंडेक्स वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले ट्राई करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने इसको रिफ्रेश किया और ऊपर जो आईडी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं इस पार्ट को रिमूव करता हूँ या मैं इस वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ, 3 को मैंने रिमूव कर दिया, मैं एंटर की हिट कर रहा हूँ, तो देखें मैं वापस इंस्टेंट सर्च पे आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा पेज, जो मेरी फाइल है सर्च डॉट पी एच पी वाली, इस पेज को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे पी एच पी का स्क्रिप्ट अलाउ नहीं कर रहा, उस पर मैंने रिस्ट्रिक्शन खुद से लगा दी है। तो अब यहाँ पर जब मेरे पास आईडी आ जाएगा, आईडी आ जाने के बाद मैंने क्या काम करना है, मैंने उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसको मैंने शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए इस जगह पे आके मैं जो डेटाबेस है उसको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, उसकी फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ रिक्वायर वंस, और बेशक मैं पेरेंथिसिस यूज कर लूँ बेशक ना करूँ, आप भी कर सकते हैं बेशक आप ना करें, कोई इशू नहीं है। db डॉट पी एच पी। इसके बाद अब यहाँ पे मुझे कुछ पी एच पी का कोड लिखना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद अब यहाँ पे एक फंक्शन होगा जो कि मैं कॉल करूँगा, फंक्शन कॉल करूंगा, और वो फंक्शन क्या काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो क्वेश्चन का डाटा रिटर्न करेगा, गेट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये बेसिकली डॉलर अंडरस्कोर आईडी, यानी कि हमारे पास जो आईडी रिसीव हो रहा है ये उसकी बेस पे निकल के आएगा। उसके बाद जब हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं नीचे आके लिखता हूँ कीवर्ड्स, हमें कीवर्ड भी रिक्वायर्ड है,
और मैं इस जगह पे आके लिखता हूँ लेट सपोज गेट कीवर्ड्स। तो जो एक पोस्ट एक जो क्वेश्चन है उसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग उसके कीवर्ड्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं असल में। तो यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर देने के बाद अब क्या काम करना है, अब यहाँ पे बेसिकली जो कीवर्ड्स हैं उनको आउटपुट करवाना है और उसके साथ जो क्वेश्चन है उसको भी आउटपुट करवाना है। तो उस पर्पस के लिए इसको मैं सबसे पहले सेव करता हूँ। सेव कर देने के बाद अब चलते हैं db डॉट पी एच पी फाइल पर। सबसे पहले जो गेट क्वेश्चन वाला फंक्शन है मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ। तो db डॉट पी एच पी फाइल गेट क्वेश्चन, तो ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है असल में, इसको जल्दी से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। डॉलर आईडी, सबसे पहले मैं कनेक्शन गेट करूंगा एज यूजल कनेक्ट, और उसके बाद एसक्यूएल। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है, मेरे पास जो डाटा आ रहा है जो कि यूज़र के इनपुट का डाटा है उसको ना तो मैं वैलिडेट कर रहा हूँ ना तो मैं उसको सैनिटाइज कर रहा हूँ। जब आप काम करेंगे किसी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए आप काम करेंगे तो आप लाजमी वैलिडेट भी करें डाटा को, उसको सैनिटाइज भी करें। तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स किए हुए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो ये स्क्रिप्ट है ये वल्नरेबल है, यानी कि इसमें जो एसक्यूएल इंजेक्शन है उसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, इसका अटैक ईजीली हो सकता है। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए आप इसको वैलिडेट भी करें जो भी डाटा इनपुट के थ्रू आ रहा है, और आप उसको प्रॉपरली सैनिटाइज भी करें डाटाबेस में इंसर्ट करने से पहले। तो एसक्यूएल, और मैं यहां पे आके लिखता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्वेश्चंस वेयर आईडी इक्वल्स टू डॉलर आईडी, यानी कि इस पर्टिकुलर आईडी वाला जो क्वेश्चन है उसको गेट कर लो। मैं यहां पे आके लिखता हूं इफ, ओप्स यहां पे मैंने रिजल्ट वाला वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाया हुआ, रिजल्ट इक्वल्स टू माई एस क्यूएल आई क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई थी एसक्यूएल, और उसके बाद नीचे आते हैं माई एस क्यूएल आई नम रोज रिजल्ट। अगर तो रिजल्ट गेट हुआ था यानी कि रिजल्ट आ गया था तो उस केस में क्या होगा, रिजल्ट को सिंपली रिटर्न करवा दो। तो मैं यहां पे आके लिखता हूं रिटर्न माई एस क्यूएल आई फेच एसओ, सिंगल रिजल्ट आया था और उसको मैंने रिटर्न करवा दिया इस तरह से। थोड़ी सी स्पेसेस ऐड कर देता हूं ताकि जो कोड है वो कुछ ज्यादा बेहतर आपको नजर आए। अगर तो कोई रिजल्ट नहीं आया तो फिर क्या काम करो, रिटर्न फॉल्स, फिर रिटर्न फॉल्स करवा दो, यानी कि अगर वो नंबर मैच नहीं करता तो फिर रिटर्न फॉल्स करवा दो। अब वापस आते हैं सर्च डॉट पी एच पी पे, और मेरे ख्याल से ये जो मैंने कोड यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है ये मैं ऐसे ना लिखूँ, इसको मैं चेंज कर दूँ। तो यहाँ से मैं इस कोड को हटा देता हूँ और मैं एक सिंगल पी एच पी का ब्लॉक बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोड ज़्यादा आएगा पी एच पी का। पी एच पी बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे क्लोजिंग टैग आ जाएगा पीएचपी का, और यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट आएगी सेमी कॉलन सेमी कॉलन सिंगल कोट और सेमी कॉलन, परफेक्ट अब ठीक हो गया। अब जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है इसको मैंने चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन आया है असल में इसकी टाइप क्या है। अगर ये एरे है तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको ये किस तरह से नज़र आएगा। डीबग, अभी जो डीबग वाला फंक्शन है ये भी डीबी डॉट पी एच पी फाइल पे इंप्लीमेंटेड आप जानते हैं, और जो क्वेश्चन है इस वेरिएबल को मैं आउटपुट करवा देता हूँ क्वेश्चन। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जब आप काम करते हैं आप चीज़ें अपनी आउटपुट करवा के देख सकते हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस है। मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ पी एच पी, पी एच पी लिखने के बाद यहाँ पे मसला आ रहा है, यहाँ आना नहीं चाहिए था। मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ पी एच पी, अब ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक एरर आ गया। एरर कहाँ पे आ रहा है, ये सर्च डॉट पी एच पी फाइल लाइन नंबर 19 पे आ रहा है, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड सेमी कॉलन और कॉमा एक्सपेक्टिंग है या और यहाँ पे लिखा जाएगा लाइन नंबर 19 पे सर्च डॉट पी एच पी फाइल पे 14 15 16 17 18 19। यहाँ पे देखें जो क्लोजिंग पेरेंथिसिस है इसको मैं मिस कर गया था, तो ये नीचे भी आएगी।
इस तरह से। ओके नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई। अब मैंने इसको ट्राई किया तो आप नोट करें मेरे पास ये आउटपुट आ रही है एरे, और उसके अंदर आईडी है, आईडी क्या है 17, उसके बाद टाइटल है, टाइटल ये है, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन भी आपको नजर आ रही है, तो काम बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद अब कीवर्ड्स वाले पार्ट पे आते हैं। अब कीवर्ड्स को बेसिकली सर्च करना है, तो इसकी भी जो क्वेरी है वो थोड़ी सी लंबी है, तो डोंट वरी, इसको मैं कोशिश करता हूँ कि एज सिंपल एज पॉसिबल रखूँ। इस पर्पज़ के लिए अब मैं आपको db.php फाइल पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आके मैं जो फंक्शन है उसको अब लिखता हूँ, फंक्शन का नाम था गेट कीवर्ड्स, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और डीबी वाली फाइल पे चलते हैं। यहाँ पे आके नीचे मैं लिखता हूँ फंक्शन गेट कीवर्ड्स, और यहाँ पे आईडी आएगी बेसिकली डॉलर आईडी, बाकी सब कुछ रिमूव कर देता हूँ और मैं इस पार्ट को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, अब जो क्वेरी है क्वेरी में इसको कॉपी करता हूँ ताकि टाइम बच जाए। इसको कॉपी किया, कॉपी कर देने के बाद मैं नीचे आके गेट कीवर्ड वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। क्वेरी पेस्ट कर दी। इस दफा मैं क्या सर्च करना, इस दफा मैं क्या सिलेक्ट करना चाह रहा था, इस दफा मैं बेसिकली कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना चाह रहा था। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ के, ये सेम वही क्वेरी है और इसमें देखें जो के है बेसिकली वो मैंने एलियस डिफाइन किया था, और ये किसका एलियस था ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, कीवर्ड्स का एलियस था, ये देखें के। और उसके बाद जो वेयर क्लॉज है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि वेयर के आगे वाला एरिया ख़त्म कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ वेयर क्यू डॉट आई डी इक्वल्स टू डॉलर आई डी। तो इस क्वेरी में एक चीज़ आप नोट करें कि मैंने बैकटिक्स का भी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बैकटिक्स का इस्तेमाल लाजमी करें। ये तो जस्ट एक मैंने एग्जाम्पल आपके सामने की, तो एग्जाम्पल की हद तक ये काम ठीक है। तो आपका जो डाटा इनपुट से आता है उसको वैलिडेट करें, उसको सैनिटाइज करें, और जो माई सीक्वल की क्वेरीज हैं उनको लाजमी उनके उन उनको लाजमी सेफ बनाने के लिए उनमें आप जो बैकटिक्स हैं उनका इस्तेमाल करें, यानी कि जो डेटाबेस का नाम है उसके बाद टेबल्स का नाम है, टेबल के जो कॉलम्स का नाम है उनको बैकटिक्स के अंदर लिखें, जैसे ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें। ओके अब इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद यहाँ पे मेरे पास डेटा आ जाएगा, और वो जो डेटा है अब उसको देख लेते हैं डेटा क्या आ रहा है असल में। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ डीबग, डीबग लिख देने के बाद मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ माई एसक्यूएल आई फेच ऑल रिजल्ट कॉमा माई एसक्यूएल आई सोक। तो इस जगह पे जो कीवर्ड्स हैं उनको मैं आउटपुट करवा के देख रहा हूं कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, और कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, किस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से रिलेटेड है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें ये कीवर्ड्स मुझे नजर आ गए, एक कीवर्ड है PHP और दूसरा कीवर्ड है स्ट्रिंग, और ये एरे की शक्ल में डेटा आ रहा है मेरे पास। अब जल्दी से इनकी जो HTML है मैं वो भी जनरेट करवा लेता हूँ। तो बहुत सिंपल सा काम है, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ वाइल लूप, वाइल रो इक्वल्स टू माई एस क्यूएल आई फेच एसोक, और रिजल्ट आएगा इसके अंदर, और यहाँ पे आके मैं HTML का एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ HTML के नाम से इक्वल्स टू, इसको मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट असाइन कर रहा हूँ UL, इसको मैं क्लास भी साइन कर रहा हूँ। क्लास क्या होगी नैव, फिर नैव बार डैश नैव, और ये बूटस्ट्रैप की क्लास है बेसिकली। उसके बाद अब ये जो मैंने वाइल लूप लिखा है, वाइल लूप की मैं बॉडी कंप्लीट कर लूँ, इसे नीचे आते हैं यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ डॉलर HTML डॉट इक्वल्स टू UL, यानी कि क्लोजिंग UL टैग आ जाएगा। क्लोजिंग यूएल टैग आ गया, उसके बाद अब मैंने नेक्स्ट काम करना है, वो क्या है, वाइल लूप के अंदर आते हैं और यहां से मैंने डाटा निकालना है। वो डाटा मैंने क्या निकालना है, बेसिकली मैंने लिस्ट आइटम्स को यहां से चूज करना है, तो मैं यहां पे आके लिखता हूं डॉलर HTML डॉट इक्वल्स टू li टैग li, और इसके बाद यहां पे आके मैं लिखता हूं डॉलर रो, और रो के अंदर क्या आएगा कीवर्ड लेबल, और ये कीवर्ड लेबल कहां से आ रहा है, ये ऑब्वियसली इस जगह से आ रहा है जो लेबल्स वाला टेबल है, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं, बस
कीवर्ड्स, और देखें कीवर्ड कीवर्ड अंडरस्कोर लेबल यहां से आ रहा है। ओके, हमारे पास लेबल्स आ चुके हैं। ये लेबल्स आ जाने के बाद अब मैं सिर्फ इसको रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न डॉलर HTML। इसके बाद आप वापस आते हैं, जो सर्च वाला पेज है उस जगह पे वापस आते हैं। अब जो कीवर्ड्स वाला पार्ट है इसको सिंपली मैंने आउटपुट करवाना है। कीवर्ड्स आ गए हमारे पास, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन था वो भी आ चुका है। इस पार्ट को अब रिमूव करते हैं। यहां पे आके मैं एक और इफ की कंडीशन प्लेस करता हूं, इफ इज एरे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वाला वेरिएबल है अगर, तो वो एरे है। एरे का मतलब है कि उसमें डेटा डेटा अवेलेबल है, उसमें टाइटल अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का उसमें डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, और उसमें आईडी अवेलेबल है। एंड नॉट एम्प्टी डॉलर कीवर्ड्स, और जो कीवर्ड्स वाला वेरिएबल है वो एम्प्टी नहीं है। इसको अगर आप रीड करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ तो ये नॉट एम्प्टी बनता है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो क्या काम करो, इनको डिस्प्ले करवा दो, ये मतलब है इसका। तो अब मैंने इस पार्ट को डिस्प्ले करवाना है, और जो ये ओपनिंग टैग है डिव टैग, इसको मैं यहाँ पे ऊपर प्लेस कर देता हूँ, तो PHP का कोड इसके अंदर आ जाएगा इस तरह से। और सबसे पहले हेडिंग टैग आ गया, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे आके मैं हेडिंग को प्लेस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, लेट सपोज H1, बेशक ऐसे लिख लें, अगर ऐसे नहीं लिखना तो मैं HTML के कोड के अंदर जाके लिख देता हूँ, वो भी ठीक है। एक्चुअली जब मैं लेसन्स रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे जहन में जो सबसे ज़्यादा जो टॉप प्रायोरिटी पे लोग आते हैं वो बिल्कुल जो बेसिक लेवल पे हैं वो आते हैं, जो एडवांस लेवल पे हैं, जिनको थोड़ा जो एक्सपर्ट हैं, जिनको चीज़ों का पहले से पता है, वो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन जो बेसिक लेवल के लोग हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई एडवांस लेवल का काम कर देता हूँ तो फिर वो जो बेसिक लेवल वाले लोग हैं वो चीज़ें उनकी समझ में नहीं आएंगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तमाम लेसन्स को इस तरह से रिकॉर्ड करूँ कि जितने भी लेवल्स हैं वो सारे कवर हों, मेरी कोशिश यही रहती है। ओके, इसके बाद अब यहां पे आके मैं लिखता हूं रो, रो नहीं क्वेश्चन, और यहां पे क्वेश्चन का टाइटल आएगा, टाइटल आ गया। इसको मैं 2 कर देता हूं, हेडिंग का साइज काफी बड़ा हो जाएगा अदरवाइज 2। और उसके बाद मैं यहां पे आके लिखता हूं एको HR, यानी कि एक मैंने लाइन प्लेस कर दी हेडिंग के नीचे। लाइन प्लेस कर देने के बाद अब मैं यहां पे आके लिखता हूं एको पैराग्राफ टैग, और इसके आगे आ जाएगा डॉलर क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन डॉट क्लोजिंग पी टैग, और उसके बाद फिर से एक लाइन आ जाएगी एको हॉरिजॉन्टल रूल, और उसके बाद एको डॉलर कीवर्ड्स, दैट्स इट। ओके, और अगर यहां से कुछ नहीं निकलता, यानी कि अगर यहां से क्वेश्चन मैच नहीं करता या कीवर्ड्स पे मसला आ जाता है, तो क्या काम होगा, एल्स सिंपली यहां से यूजर रीडायरेक्ट कर जाएगा। कहां रीडायरेक्ट करेगा, इंडेक्स वाले पेज पे। ओके, तो ये हमारा कोड है बेसिकली। अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद ब्राउजर में आते हैं एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने रिफ्रेश किया, सिंटेक्स एरर, ओप्स रो का एरर आ रहा है ऑन db.php लाइन नंबर 45। db.php फाइल पे लाइन नंबर 45 पे एरर आ रहा है रो का, और यहां पे मैं डॉट मिस कर गया हूं, कंकेटिनेशन कर रहा था तो मैं डॉट मिस कर गया एक्सीडेंटली, अब ठीक हो गया। रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद यहां पे आते हैं, मैं यहां पे आकर लिखता हूं php, और मैं किसी भी पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। मैं आगे जा रहा हूँ लेकिन वापस आ रहा हूँ, मसला आ रहा है यहाँ पे, अब स्टिल यहाँ पे इशू आ रहा है। अब इसको फिक्स कैसे किया जाएगा, अब इसको फिक्स कर लेते हैं, वापस आते हैं। क्वेश्चन, ये मैं मिसस्पेल कर गया था, TION क्वेश्चन इस जगह पे, इसलिए ये जो इफ वाला ब्लॉक है ये ट्रू नहीं हो रहा था। रिफ्रेश, और PHP PDO, और ये देखें आपके सामने जो क्वेश्चन है वो डिस्प्ले हो चुका है।
और बड़ी डिसेंट सी उसके नीचे लाइट सी अंडरलाइन आ रही, नीचे एक लाइन आ रही है, और उसके बाद नीचे पैराग्राफ आ रहा है, पैराग्राफ के बाद भी नीचे सेपरेशन के लिए एक लाइन आ रही है, और ये नीचे आपको कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं। कीवर्ड्स जो हैं वो आपको बिल्कुल भी ठीक से नज़र नहीं आ रहे हैं, वो ठीक ठीक तरह से प्लेस नहीं किए गए। इसको भी 2 मिनट में फिक्स कर लेते हैं। अब मैं डीबी वाली फाइल पे जाता हूँ, और जो कीवर्ड्स वाला फंक्शन है यहाँ पे आके जो ये कीवर्ड्स हैं इनको मैं रैप कर देता हूँ किसके अंदर, स्पैन टैग के अंदर, स्पैन टैग। और जो स्पैन टैग है इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूं, क्लास लेबल लेबल डैश प्राइमरी। और ये जो लेबल लेबल डैश प्राइमरी है ये क्लासेस बूटस्ट्रैप की हैं बेसिकली। तो ये देखें लेबल्स भी अब आपको ठीक से नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक काम और रह गया, जो सर्च वाला पेज है यहां पर नीचे जाके एक मैं लिंक प्लेस कर देता हूं ताकि यूजर वापस जा सके गो बैक का। तो मैं यहां पे आके लिखता हूं ब्रेक टैग, एंकर टैग आ गया, इंडेक्स डॉट पी एच पी और गो बैक, यानी कि यूजर अगर वापस जाना चाहता है तो वापस भी जा सके। ये देखिए गो बैक आ गया। अब अगर मैं गो बैक पे क्लिक करता हूं तो देखिए वापस आ गया। और अगर मैं यहां पे आके पी एच पी लिखता हूं पी डी ओ ट्रांजेक्शन, इस पे थोड़ा सा मसला आ रहा है, मसला आना नहीं चाहिए, जावा, अब ठीक हो गया। मैंने रिफ्रेश किया तो बिल्कुल ठीक हो। मेरे ख्याल से जो मेरी जो सी एस एस वाली फाइल है वो कैश हो चुकी है और उसकी वजह से मसला आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें जो स्प्रिंग बूट स्केजुलिंग अपॉइंटमेंट है ये क्वेश्चन यहाँ पे ओपन हो गया। ये नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है, नीचे इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो कीवर्ड्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये डिस्कशन इस लेसन के लिए काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि जो लेसन है वो आपकी पसंद में आया। अगर आप इसको लाइक करते हैं तो मुझे थम्स अप दें, अगर आप इसको डिसलाइक करते हैं तो मुझे थम्स डाउन दें, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। लेकिन आप लाइक करें या डिसलाइक करें बेसिकली तो ये मेरे लिए फीडबैक है। तो फीडबैक जो है वो लेसन को इम्प्रूव करवाती है, क्वालिटी ज़्यादा इंप्रूव होगी। और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, और उसके बाद जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और मैसेज की शक्ल में मुझे लास्ट में बताएं, यानी कि नीचे वीडियो के नीचे लास्ट में कमेंट करें कि लेसन आपको ठीक लगा या आपको ठीक नहीं लगा, और इसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो वो भी लास्ट में मुझे सजेस्ट करें।